भारत ने रोक डाला परमाणु युद्ध। 2022 में दुनिया देखती रूस के परमाणु मिसाइल का तांडव। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति है दोस्तों, ये हमारी पहचान है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और यही वजह है कि भारत ने पूरे यूरोप को रूस के परमाणु हमला करने से बचाया, वरना 2022 में दुनिया एक भयानक परमाणु युद्ध की शुरुआत देखती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है अमेरिका के प्रतिष्ठित मीडिया, वही मीडिया जो हमेशा भारत को गाली देती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है और तो और भारत की उपलब्धियों को स्वीकारती नहीं। वही अमेरिकी मीडिया आज भारत की तारीफों के पुल बांध रही है और अमेरिका और यूरोप के जो समाज हैं वहाँ पर भारत की खूब वाहवाही हो रही है। यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज अमेरिका की जो मीडिया है, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो बिजनेस इंसाइडर हो, चाहे वो CNN हो, सब यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने 2022 में चीन और भारत से मदद मांगी थी कि आपके रूस के साथ अच्छे संबंध है, आप रूस को रोकिए वरना रूस यूक्रेन में भयानक परमाणु युद्ध की शुरुआत कर देगा जो यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यह रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से बात करने के बाद रूस ने अपनी तैयारी, खासकर कि परमाणु हमला करने की जो तैयारी थी, उसे होल्ड पर कर दिया, वरना रूस पूरी तरीके से तैयार था एक मैसिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करने को। चलिए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको भारत की ताकत का पता चलेगा। दरअसल यह कहानी की शुरुआत होती है रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती हफ्तों से। कुछ ही हफ्ते हुए थे इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि कुछ यूरोप के देश हैं जो यूक्रेन को डर्टी बम सप्लाई कर सकते हैं, खास करके ब्रिटेन। उस समय मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि इस बात से रूस बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि डर्टी बम और कुछ नहीं बल्कि ये जो बड़े न्यूक्लियर हथियार होते हैं उन्हीं का एक छोटा प्रारूप होता है। ऐसा समझ कर चलिए कि 100 किलो के न्यूक्लियर बम को 1-1 किलो के न्यूक्लियर बम में बदल दिया जाता है और इन्हीं 1 किलो के न्यूक को कहा जाता है डर्टी बम। इनका जो असर होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े से एरिए में। उस समय कहा जा रहा था कि यूक्रेन यूरोप से यह डर्टी बम लेकर यूक्रेन के अपने ही इलाकों पर हमला करेगा, खास करके वह इलाके जो कि रूसी सेना के कब्जे में है, और रूसी सेना पर डर्टी बम बरसाए जाएंगे जिससे कि एक झटके में ही हजारों नहीं लाखों रूसी सैनिक मारे जाएं। अब इसी बात से चिंतित होकर रूस ने तुरंत एक्शन लिया और 2022 के मध्य तक यूक्रेन की सीमा के पास अपने न्यूक्लियर बम की तैनाती तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। अब अमेरिका ने देखा कि भाई रूस तो अपने परमाणु बमों को रेडी टू फायर करने के लिए तैयार कर चुका है। आपको याद होगा कि रूस की इन परमाणु तैयारियों के खिलाफ अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया था कि वह किसी भी हालत में रूस के परमाणु हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसने यूक्रेन के अंदर परमाणु हमला किया तो अमेरिका रूस पर सीधा परमाणु मिसाइल दाग देगा। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रूस इस बात के लिए भी तैयार हो गया था, अगर उसे अपने खुफिया तंत्र से यह खबर मिलती कि यूक्रेन यूरोप से परमाणु बम लेकर, यानी डर्टी बम लेकर उसके सैनिकों पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है, यानी कि हमला नहीं किया है सिर्फ तैयारी ही कर रहा है, तो भी वह प्री एटमी स्ट्राइक करेगा। अब हाल ही में जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस बात को लेकर अमेरिका चिंतित था कि कहीं रूस और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं कोई झूठी अफवाह या फिर खबर ना फैला दे या कोई झूठी टिप ना पहुंचा दे रूस तक कि जो डर्टी बम है वह यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अब कभी भी रूसी सैनिकों पर यह डर्टी बम बरसाए जाने शुरू किए जा सकते हैं। अगर ऐसी खबर पहुंच गई तो रूस गलत फहमी में यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा, क्योंकि रूस ने पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और इसी बात को लेकर अमेरिका चिंतित था, इसलिए उसने भारत की भारत से, क्योंकि चीन से अमेरिका के संबंध उतने खास नहीं है, इसलिए भारत से बातचीत पर जोर दिया और भारत को कहा कि आप रूस को समझाइए, यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम कोई भी डर्टी बम यूक्रेन को सप्लाई नहीं करने वाले, और अगर कोई यूरोप का देश सप्लाई करने के बारे में सोचता भी है तो अमेरिका उसे रोकेगा, बस आप रूस से कहिए कि कोई भी ऐसी स्ट्राइक मत कर देना जिससे कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार रूस ने किसी अफवाह पर भरोसा करके परमाणु हमला कर दिया तो मजबूरी में हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब जो CNN ने रिपोर्ट जारी करी है, इसमें बताया गया है कि भारत ने अमेरिका की बात सुनी
और रूस से बातचीत शुरू कर दी। और भारत से बातचीत करने के बाद रूस ने भी बात को समझा और अपना जो परमाणु प्रोग्राम था, जो परमाणु तैयारियां थी, उसे होल्ड पर कर डाला। साथ ही अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे एक बैक चैनल भी भारत ने तैयार किया ताकि इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और जरूरत पड़े तो दोनों देश एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत कर सके। और इसी चीज को लेकर भारत को जमकर क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि भारत ने 2022 में परमाणु युद्ध रोका था। और इसी को लेकर भारत की यूरोप और अमेरिका में खूब वाहवाही हो रही है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि आज भारत की ग्लोबल पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी भारत से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों, इस खबर को सुनकर अगर आपको भारतीय होने पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आज हर भारतीय इस वीडियो के माध्यम से भारत के ताकत को जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।